नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। दो भाइयों के आपसी विवाद में सिंचाई वाले कुएं को एक भाई ने किया ध्वस्त, दूसरे भाई की फसल सिंचाई के बिना हो रही बर्बाद। सगमा से खबर है, धुरकी थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव निवासी बचव कुशवाहा तथा भोला कुशवाहा दोनों सगे भाइयों के आपसी विवाद के कारण सिंचाई वाले कुएं को भोला कुशवाहा और उनके पुत्र राम गोविंद कुशवाहा के द्वारा 27 जून दिन सोमवार को बचव कुशवाहा की गैर मौजूदगी में सिंचाई वाले कुएं को जेसीबी द्वारा ध्वस्त करने का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार बचव कुशवाहा तथा भोला कुशवाहा सगे भाई है, जो कि दोनों भाइयों की सहमति से दोनों भाइयों ने मिलकर सिंचाई करने के लिए एक पक्का कुएं का निर्माण किया था, जो उसी कुएं से आज तक लगभग 2 बीघे की सिंचाई करते आ रहे थे। लेकिन दोनों भाइयों के आपसी विवाद के कारण कुएं को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके कारण बचव कुशवाहा का सिंचाई करने का साधन पूरी तरह से बाधित हो गया तथा पूर्व में किया गया खेती लौकी मूंग की सभी फसल पानी की पटवन नहीं होने के कारण बर्बाद हो रही है तथा अभी किए जाने वाले समय में खरीफ की फसल बुआई का काम पूरी तरह से बाधित है। जानकारी देते हुए बचव कुशवाहा के पुत्र नंद किशोर कुशवाहा ने बताया कि धुरकी थाने को आवेदन भी दिया गया और थाने के द्वारा स्थल की जांच भी की गई, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। जबकि भोला कुशवाहा के पुत्र राम गोविंद कुशवाहा से पूछे जाने पर बताया कि कुएं की स्थिति काफी जर्जर हो गई थी, कुएं से 1-2 बार जानमाल की क्षति हो चुकी है, इसी कारण से कुएं को भर दिया गया। इस दौरान उपस्थित ब्लॉक प्रमुख अजय साहब से पूछे जाने पर उन्होंने कहा, स्थल को देखने के बाद और ग्रामीणों के बताने के अनुसार इस कुएं से सिंचाई अच्छी खासी हो जाती थी, लेकिन कुएं को भरने से सिंचाई बाधित हो गई है। उन्होंने कहा कि आपस में मिलजुल कर भरा हुआ कुएं की मिट्टी निकलवाने का काम करें। मुखिया प्रतिनिधि अशोक राम ने कहा कि मिट्टी कुएं में मिट्टी भरने की सूचना मिली है, मिलते ही स्थल का जायजा लिया जो कि भरा हुआ पाया गया। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए आज किसान दर दर भटकने पर मजबूर हो गया है। ग्रामीण दिनेश ठाकुर, रामचंद्र पासवान, नगीना राम सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि यह कुआ दोनों भाइयों की सार्वजनिक जमीन में था, जो कि भर जाने से बचव कुशवाहा की फसल की सिंचाई नहीं होने के कारण नष्ट हो रही है। यह कुआ जो है आप लोग का सम्मिलित था कि कोई अपने निजी खुदवाए थे कुआं? ये कुआं चाचा के साथ सम्मिलित था। इस कुएं से कितने फसल का उत्पादन होता था? इस कुएं के अति से सर मतलब धूप में तो खैर कम सम होता था, लेकिन बाकी अति में चैती तक बढ़िया फसल होता था। कितना लोग इसे लाभान्वित थे? इससे हम लोग 7 भाई हैं सर, एनहन 2 भाई थे उस मतलब 9 आदमी लाभान्वित थे। और गांव में पानी ज़्यादा था? गांव में सर उतना पानी ज़्यादा नहीं था कि उतना जाए, लेकिन अगल बगल जैसे बटैया वटैया तनी मनी कमाने पर ज़्यादा था। इसका सिंचाई हुआ इस पर? इसका तो सिंचाई पानी बरसने से पहले अभी फिलहाल में तक इस पर मोटर चला है सर, सिंचाई हुआ है। मिट्टी को भराया है? मिट्टी भराया है, सोमवार दिन था, तारीख 27 तारीख था उस दिन। इस कुआं का निर्माण कब हुआ था, याद है आपको? हमको तो याद नहीं है सर। कितना पुराना है ये कुआं? ये कुआं पुराना देख रहे हैं कि लगभग 40-50 साल पुराना है। क्या कुआं भरा रहता था आप लोग घर पर थे? सर हमारा अब हम लोग के पाही वहाँ है, अब यहाँ घर भर है, कोई रहता नहीं है। ये यहाँ कुड़ार है, लेकिन 4 बजे के बाद आदमी सब्जी तुर के और चला गया बाजार, मैंने 4 बजे के बाद में ही काम लगा है, चाहे रात में लगल हो या कबो लगल हो, 4 बजे के बाद ही भराया है। क्या नाम है आपका? नंद किशोर कुशवाहा। पिताजी का नाम? श्री बचव कुशवाहा। यह कुआं कितना पुराना था? सर पाही जब किए थे उस समय का पूरा कुआं है। इस कुएं से कितने फसल का उत्पादन होता था? सर फसल तो जो मान लीजिए फिलहाल में जो होता है वो होता हो ही रहा था इसमें, और वो फिलहाल के जो बात है इसका स्थिति बिल्कुल डेंजरस हो चुका था, इस स्थिति में इसको जो है कि भरा गया। क्या ऐसा कारण हुआ कि कुआं को भरना पड़ा? सर 1-2 बार इसमें जो है कि वो जान माल के क्षति हो गया था, और फिलहाल में स्थिति इसको उस टाइप के नहीं था कि इसको रखा जाए, रखने योग्य नहीं था, और ये हमारे हक हिस्सा की चीज़ है, ये देखने वाली चीज़ है, ये जबरन का कहा जा रहा है कि नहीं, ये 64 था तो 65 था। ये सिंचाई होता था कि नहीं इसमें? फिलहाल में पानी नहीं था सर, इसलिए इसको भरे। ये बगल वाला जो हुआ है किसे हुआ है? हाँ देखिए इनका पर्सनल अलग कुआं है, एगो सरकारी कुआं है जो हमारे कुआं से पहले बना गया है, वहाँ से चल के देखा जाए पाइप अभी भी लगल है, वहाँ से सिंचाई करता था। यह कुआं जो है सरकारी था कि घर से आप बनवाए थे? घर से जब पाई किए थे तो मैंने ये दोनों मिल करके हमारे पिताजी और इनके पिताजी ही खाने थे।
क्या नाम है आपका? हमारा राम गोविंद कुशवाहा नाम है। कहाँ घर है? बस इसी चैनपुर में है। पिताजी का नाम? द्वारे पर है सर। पिताजी का नाम? भोला कुशवाहा। चैनपुर ग्राम में कुआं भरने का एक मामला प्रकाश में आया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर देखने के अनुसार, सब ग्रामीणों के कहने के अनुसार, एक कुआं जो है, कुआं से सिंचाई जो है कि इन लोग के अच्छा खासा हो जाता था। और जो है कि कुआं एक भाई के द्वारा, दो पटीदारी है, एक भाई के द्वारा भर दिया गया है। भर दिया गया तो हम लोग इसमें यही कहना चाहेंगे कि जो कुआं भरा हुआ है उसे खाली करवा दें, और अगर ख़राब हुआ है तो दोनों मिल के मरम्मती करावें, और जितना साझात जमीन निकाला गया है उसको घेराबंदी करके इस कुआं से सिंचाई करें, आपस में विवाद न करें। क्या नाम हुआ आपका? ब्लॉक प्रमुख संगमा अजय साह। चैनपुर ग्राम में कुआं भरने का एक मामला आया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास से ये कुआं का सूचना आया है, हमारे बीच में ये दोनों भाई ये साझात जमीन में था, तो इसमें चार आदमी इकट्ठा हुए, ये जिस दिन कुआं प्लेन हुआ है उस दूसरे दिन जब आदमी इकट्ठा हुआ तो हुआ कि ये साझे में है, तो उस पर आके रोका गया। कितने जमीन का सिंचाई होता था? अभी हम अवगत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अशोक राम। मुखिया प्रतिनिधि जी। चैनपुर ग्राम में जो कुआं भरने का मामला प्रकाश में आया है जी। इसमें आप सभी ग्रामीणों का क्या कहना है? देखिए, ये जो कुआं भराया है वो सर्वासर्वी गलत हुआ है। यह कुआं को चैनपुर ग्राम के ग्रामीण जितना भी जानता है, सभी लोग अवगत हैं, जानकारी है कि यह कुआं जो भी था, कुआं और प्लस पौधार, ये सार्वजनिक जमीन में था, और यह कुआं भरे हैं वो गलत किए हैं। यही सब ग्रामीण को कहना है कि यह कुआं जो भरे हैं वह व्यक्ति यह कुआं से माटी निकलवा के पूरा खाली करा दें, और प्लस में वही जिस प्रकार सिंचाई होता था उस प्रकार सिंचाई करें। सरकारी था या निजी? निजी था। दो भाई लोग होते हैं, बचाऊ कुशवाहा, भोला कुशवाहा, दोनों भाई आपस में मिल के इन लोग अपना से कुआं बांधे थे, खाने थे। आपका नाम क्या है? दिनेश ठाकुर। ग्राम? चैनपुर। आपका क्या नाम है? श्री रामचंद्र पासवान। क्या कुआं से सिंचाई होता था? जी। कितना जमीन सिंचाई होता था? अब इतना तकड़ा नहीं है, लेकिन मैंने पारी पर है, यहीं से जीवन बीतन कर रहे थे इन लोग, और मान लीजिए पानी अब तक कुआं अलग हो गया तो कम करते होंगे, लेकिन सिंचाई हो रहा था। और जो कुआं भराया है वो सही बात है कि कुआं के माटी निकलवाया जाए, और जो भी जमीन के बात है उन लोग सार्वजनिक जमीन जब है तो जमीन का खुला रहे। नाम बताओ, क्या का नाम बा? नगीना राम। ये कुआं से सिंचाई होत रहे? होत रहे। ते कुआं भराइल बा ते के लेके का कहब रहुआ? कुआं के साफ कर दे, और जो भी विवाद हो रहा है इसको समाप्त करें। माँ गायत्री गारमेंट्स आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने, गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स मेन रोड गढ़वा। यहाँ मेंस वेयर, लेडीज ड्रेस, किड्स वेयर एवं सभी तरह के फैंसी ड्रेस उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। प्रोप्राइटर अमित जायसवाल, माँ गायत्री गारमेंट्स आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने, गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स मेन रोड गढ़वा।